क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि केला को हम टाइम से खत्म नहीं कर पाते और ज्यादा पक जाता है? ज्यादा पक जाने के बाद उसको हम कभी फेंक देते हैं या फिर इसका क्या करें करके सोचते हैं? तो चलिए वही पके हुए केले की मजेदार डिजर्ट बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 8 से 9 पके हुए केले ले रही हूँ। बनाना को हम छील के एक बाउल में डाल लेते हैं। देखिए हमने सारा बनाना छील लिया है, अब इसको मैश करेंगे। आप चाहे तो फोक से, कांटे वाले चम्मच से भी मैश कर सकते हैं या फिर मिक्सी से भी मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। बनाना को अच्छे से मैश कर लेने के बाद हम इसमें 1/4 कटोरी कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसकी जगह में आप 2 चम्मच शुगर का भी यूज कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपका बनाना कितना मीठा है। अगर आपका बनाना मीठा है तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगह में आधा कटोरी मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अब बनाना और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं और एक और बॉल लेते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे 2 कप व्हिप क्रीम लिया है। इसको ब्लेंडर से ही फेंट लेंगे। आप चाहें तो व्हिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसको हमें ज्यादा फेंटना नहीं है, 2 मिनट बस व्हिस्क करना है। इसकी हमें व्हिप क्रीम नहीं बनानी है, इसको थोड़ा सा ही मेल्ट करना है। ना कि जैसे आइसक्रीम मेल्ट होता है और दिखता है ना, उतना, उससे ज्यादा व्हिस्क नहीं करना है क्योंकि इसको हमें आइसक्रीम बनाना है। देखिए इसको इतना फेंट लेंगे। अब इस क्रीम में हम मैश किया हुआ बनाना ऐड करेंगे। बनाना को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो सेट करने के लिए आप कोई भी कंटेनर का यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे का यूज कर सकते हैं। सारा बैटर इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह में आप टूटी फूटी का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आइसक्रीम अच्छे से सेट होके तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको जरूर ट्राई कीजिए।